कई बार न्यूज़ में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे सरकारी सहायता के दुरुपयोग की खबरें तो सुनी होंगी कि भाई पैसे मिले थे स्कॉलरशिप के और लोगों ने स्कॉलरशिप के बजाय वो पैसों से मूवी देख ली। कई बार ये आपने सुना होगा कि महिला जो मुखिया है उसके नाम पे पैसा मिला तो पति ने जो है उसकी शराब पी ली, धन का अपव्यय हो गया। कई बार ये आपने ये भी सुना होगा कि जिसके नाम पे पैसे भेजे गए उस तक पैसे पहुंचे ही नहीं, बल्कि बीच में ही धन का करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन ये क्या एक पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया जिसको देखते हुए सभी दंग हैं, सभी चकित हैं कि अरे ऐसे भी सरकारी धन का उपयोग हो सकता है क्या? तो ये मामला आ रहा है उत्तर प्रदेश से, जहां पे न्यूज़ ये है कि 11 यूपी विमेन टेक प्रधानमंत्री आवास योजना मनी एंड फ्ली विद देयर लवर्स। ये तो कुछ अलग ही तरह की घटना सामने आ गई, जहां 11 महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इनको जब मिली प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त, तो क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त मिलते ही ये जो महिलाएं हैं वो अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई। तो सरकारी धन की खबरें तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन ये कैसा मामला सामने आ गया, समझते हैं पूरे मुद्दे को। और इसके पहले देखिए, इसमें जो जुड़ा हुआ मुद्दा वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना दरअसल ये योजना क्या है। इसके साथ ही साथ इंडिया में जो विवाह का प्रचलन चला है वो किस तरीके से, जो हमारी वैदिक कल्चर है वहाँ पे विवाह के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भाग जाती हैं और इससे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो दरअसल क्या हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन सारे मुद्दों को समझते हैं। तो खबर तो यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका जब पैसा मिला, किस्त मिली, तो जो 11 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश से वो फरार हो गई अपने प्रेमियों के साथ, ये कहना है मीडिया का। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अगली जो किस्त है उसको रोक लिया है कि भाई अगली किस्त तो हम नहीं देने वाले हैं। तो चलिए जुड़ते हैं और करते हैं मुद्दे की पड़ताल। ये देखिए ये मेरी जो स्लाइड है ये मेरे बारे में है, और अगर आप जो लेक्चर्स हैं उनसे जुड़े हुए PDF या MCQs करना चाहते हैं तो जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम पेज से, ये मेरी टेलीग्राम ID है। एंड एकेडमी की बात करिएगा तो जो हमारे प्राइस राइस है वो बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत तेज़ी से जो हमारे कोर्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब और ज़्यादा प्राइस ना बढ़े इसके पहले ही जल्दी से जल्दी आप अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। अभी जो प्राइस है वो 15 महीनों का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 29,999 रुपये में उपलब्ध है, जहाँ पर कम्प्लीट GS CSAT और टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना दरअसल ये योजना क्या है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ये शहरी और ग्रामीण, मतलब इसमें अर्बन और रूरल दोनों कंपोनेंट शामिल हैं, दोनों ही जगह पे लोगों को आवास मुहैया कराए जाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना पहली बात तो एक सेंट्रल क्या कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी जो इसमें पैसे हैं उसमें 90% जो योगदान है जो स्पेशल राज्य वहाँ पे सरकार, मतलब आपकी केंद्र सरकार का 70% आपके राज्य सरकारों का है। तो देखिएगा ये आवास, मतलब ये जो योजना है ये शहरी गरीबों के लिए और आपके जो ग्रामीण गरीब हैं उनके लिए आवास जो है उपलब्ध कराने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि लोग आसानी से अपना घर खरीद सकें। इसमें देखिएगा कास्ट और से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो LIG वर्ग है, मतलब जो लोअर इनकम ग्रुप है, और MIG यानी मीडियम इनकम ग्रुप के लोगों को बेसिकली इसमें लाभ प्रदान करना था। साथ ही साथ अगर आप अपने घर का रिनोवेशन कराना चाहते हैं, रिनोवेशन कहने का मतलब है घर को पक्का कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी वित्तीय सहायता यहाँ पे उपलब्ध कराई जानी थी। लाभार्थी अपनी ज़मीन पर खुद का घर बना सकते हैं और वो चाहें तो अपने घर का विस्तार भी कर सकते हैं। खासतौर से इस योजना में समझे तो यहाँ पर महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी यहाँ पर प्राथमिकता की गई थी। तो ये तो बात है प्रधानमंत्री आवास योजना की, यहाँ पर वर्ष 2022 तक इसका जो टारगेट ईयर था 2022 था, जहाँ पर लोगों को जो आवास है वो मुहैया कराने के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि लोग जो है आसानी से घर खरीद सकें। तो चलिए जरा इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अगर समझें तो भारत में ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो दरअसल क्या है। देखिए अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम अपनी जो ट्रैकिंग है वो वेद से करते हैं, वैदिक सोसाइटी से करते हैं। तो वैदिक सोसाइटी से इमर्जेंस होते हुए अगर भारत में खास तौर से जो ब्राह्मण जो स्क्रप्चर्स हैं उनके हिसाब से विवाह को 8 प्रकार में बांटा गया है। तो इंडिया में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है कि जब एक ही वर्ण के लड़के के साथ लड़की का विवाह किया जाता है और इसमें सभी जो वैदिक रीति रिवाज है इनका पालन किया जाता है। अच्छा, इसमें दहेज भी दिया जाता है। जब आप दहेज कहते हो तो दहेज को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा आजकल जो डाउरी सिस्टम है उससे। दहेज को
दरअसल स्त्री धन से जोड़कर देखा जाता है कि जब एक दंपत्ति अपना नया घर शुरू करते हैं और उसमें भी खासतौर से जो महिलाएं हैं, क्योंकि वो पहले अपने घर में अपने पिता के ऊपर और जब शादी हो जाती है तो अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो शुरू शुरू में उस वो जो लड़की होगी, वो जो कन्या होगी, वो अपना जीवन यापन सही से कर सके, इसके लिए जो फैमिली है वो उसको कुछ स्त्री धन देती थी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दहेज और डाउरी। दैव विवाह क्या होता है कि जब पिता अपनी बेटी को दक्षिणा के रूप में एक पुजारी को दान कर देते हैं। आपने सुना होगा कि शब्द क्या है, कन्यादान, ठीक है। तो यानी कन्या का दान करता है पिता, तो तब दक्षिणा के रूप में पुजारी को, जो जिन्होंने यज्ञ कराया हुआ हो, उनको दान दे दिया जाए, तो इसको दैव विवाह कहते हैं। वही आर्ष विवाह मतलब होता है वधु मूल स्वीकार करने के बाद लड़की का विवाह। इसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। बिना दहेज के विवाह को दरअसल प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। गांधर्व विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप देखेंगे तो इसका जो बैकिंग है वो बहुत बहुत प्राचीन है। गांधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, जब लड़के और लड़की ने स्वतः चयन के माध्यम से विवाह किया है। असुर विवाह की श्रेणी में वो विवाह आते हैं जहाँ लड़की को खरीदा जाए, यानी वधु को खरीद कर किया गया विवाह। इसके साथ ही साथ पिशाच विवाह या पैशाच विवाह की बात है, जहाँ पे लड़की को बहलाया जाए और बलात्पूर्वक जो है उससे विवाह किया जाए। और सबसे निम्न है राक्षस विवाह, जहाँ लड़की का अपहरण यानी कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाए। तो ये तो कुछ जो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए विवाह के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम ब्राह्मणिज्म को फॉलो करें तो ब्राह्मण धर्म के हिसाब से कुल 8 विवाह के प्रकार जो है वर्णित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ देखें तो जैसे अभी ये न्यूज़ है कि मतलब क्योंकि आवास योजना में जो धन मिला उसको लेके जो महिलाएं हैं वो मतलब उन पे भागने का आरोप लग रहा है, तो ज़रा समझें कि जो है ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं, इस तरह की खबरें क्यों आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है परिवार का समर्थन। देखिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको भी डिसीजन मेकिंग का अधिकार मिले, मतलब जब निर्णय लिए जाए तो उसमें उनकी भी सहभागिता हो। तो होता क्या है, अब वो डिसीजन मेकिंग चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग जो लड़की है उसी से रिलेटेड हो, तो होता क्या है कि कई बार जो महिला है, क्योंकि मतलब जो सोसाइटल टेंडेंसी वो कुछ इस तरीके से बन जाती है कि निर्णय लेने में उनकी भागीदारी निम्न रहती है या नहीं रहती है, तो ऐसे में जब वो किसी साथी को प्रपोज करेंगी तो जो फैमिली है वो शायद ही उस चीज़ को माने एक्सेप्ट करे। ऐसे में क्योंकि उनका समर्थन नहीं होगा, जिसके कारण कई बार ऐसी खबरें आई कि जिसके कारण जो लड़कियाँ हैं वो भाग जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा आरोप है, जैसे मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भी आप समझें या सोसाइटल टेंडेंसी देखें, तो कई बार क्या होती है कि जो लड़कियां हैं वो जब अपनी इच्छा के विरुद्ध जो शादी होती है उससे बचने के लिए भी ऐसे कदम उठाती हैं। सबसे खास बात है स्वतंत्रता की इच्छा। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि वैसे तो दुनिया में बहुत सारे सुख हैं पर स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। तो होता क्या है, स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपना जो जीवन है वो कैसा जीना चाहता है। कई बार क्या होता है कि ये जो इच्छाएँ हैं वो कई बार जो लड़कियाँ हैं उनको अपनी खत्म करनी पड़ती है, समाप्त करनी पड़ती है। आप देखिए तो जब कभी फैमिली में खाना भी बनता है तो लोग कहेंगे भाई, पापा से पूछेंगे कि आप क्या खाना चाहते हैं, भाई से पूछेंगे क्या खाना चाहते हो, यानी सारे मेल मेंबर्स के पसंद का खाना पूछ लिया जाता है, आज खाने में क्या बनाएं। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जो जो मदर ऑफ द हाउस होती है वो बेचारी, उसका कोई ऐसा लगता है कि कोई टेस्ट ही नहीं, कोई च्वाइस ही नहीं, क्योंकि जो सबकी पसंद है वही उनकी पसंद बन जाती है। कई बार आप देखेंगे सोसाइटी इस तरीके से महिला को पोर्ट्रे कर देती है कि परिवार के सुख में ही तुम्हारा सुख है। तो धीरे धीरे करके उनकी स्वतंत्रता की जो परिभाषा है वो समाप्त हो जाती है, उनकी नज़र में ऐसा बना दिया जाता है कि स्वतंत्रता जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उनको ये भी है कि उनके बिहाफ पे किसी और को निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो महिला है वो स्वयं में निर्णय लेने में कैपेबल नहीं है। तो स्वतंत्रता की जो इच्छा है वो तो कहीं ना कहीं दबी हुई होती है, और ऐसे में जब स्वतंत्रता को पूरा करने का मौका मिलता है तो कई बार ये भी देखा गया कि लड़कियाँ भाग जाती हैं। और सामाजिक और धार्मिक बाधाएं, जहाँ पे परिवार स्वीकार नहीं करना, परिवार द्वारा स्वीकार न कर पाना, तो इस वजह से भी ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। हालांकि अब देखिए सरकारी धन के दुरुपयोग की बात है, तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग है वो हर हाल में नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि ये धन सरकार से ज़्यादा उन लोगों का है जिन्होंने सरकार को टैक्स दिया है। तो अब जरूरी है कि जो टैक्स का पैसा है वो देश के निर्माण में, देश की प्रगति में और देश की उन्नति में काम आए, और ऐसे में यदि सरकारी धन का उपयोग होगा तो इसका मतलब ये टैक्स पेयर के जो धन है उसका अपव्यय है, उसको जल्द से जल्द रोके जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए चलते चलते देखते हैं एक जरूरी सवाल, क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रकार बिना दहेज के होता है? अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह या असुर विवाह। आपका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य से अवश्य अवगत कराएं। आज के सेशन को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया हमारे सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।